बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज के हेडलाइन पर। लुटेरे से भिड़े तो ताबड़तोड़ चाकू मारकर किया घायल। बड़े भाई के साथ सड़क पार कर रहे 4 साल के बच्चे को कार ने कुचला। कार में छुपा कर रखे 25 लाख रुपए बरामद। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली सब्जी मंडी में सुबह माल की धुलाई करने जा रहे एक युवक को लुटेरों ने पकड़ लिया। जबरन उनकी जेब में हाथ डालकर पैसे छीनने लगे। वह बदमाशों से भिड़ गए। दोनों बदमाश जब वस्त होने लगे तो उनके दो साथी आ गए। दोनों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए, जिससे युवक लहूलुहान होकर गिर पड़े। इसके बाद उनकी जेब से 13,000 रुपए लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोग उन्हें ऑटो में लेकर सफरदरगंज अस्पताल पहुंचे। पुलिस इसकी जांच कर रही है। नई दिल्ली नेमसराय थाना इलाके में सड़क पार करते हुए 4 साल के एक बच्चे को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। बच्चे की जगह पर ही मौत हो गई। आरोपी ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे को टक्कर मारने से पहले उसने एक और शख्स को टक्कर मारी थी। उससे बचने के लिए वह कार तेजी से चला रहा था। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे जब वह अपने बड़े भाई के साथ सड़क पार कर रहा था, इसी बीच तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नई दिल्ली कापस हेड़ा कैश की एक बड़ी खेप भी द्वारका डिस्ट्रिक्ट के छावला इलाके में पकड़ी गई। कापसहेड़ा के SDM नितिन जिंदल की टीम ने इसे पकड़ा। DS का कहना है कि हो सकता है कि यह कैश किसी राजनीतिक व्यक्ति का हो। इस मामले की छानबीन की जा रही है। कैश एक गाड़ी से मिली। दिल्ली में चुनाव के दौरान कैश लाना और खपाना नया नहीं है। इसके चलते पुलिस के अलावा SDS की टीमें इन दिनों काफी सक्रिय है। कापसहेड़ा में SDS की टीम ने एक गाड़ी से 25 लाख रुपए बरामद किए। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।